सुलह विधानसभा क्षेत्र के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रोह में 688 पुलिस कांस्टेबलों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। परेड की सलामी पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश सीताराम मरंडी ने ली। 688 पुलिस कांस्टेबलों में 310 कांस्टेबल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पुलिस कांस्टेबल 9 महीने प्रशिक्षण में आंतरिक बाहरी प्रशिक्षण के साथ साथ कानून तकनीक शारीरिक व सामाजिक व्यवहार की भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पुलिस महानिदेशक सीताराम मरंडी ने कहा कि आज की परेड देखने से पता चलता है कि एक नई पुलिस एकेडमी प्रदेश में खुलने जा रही है। अभी यहां से एकेडमी शिफ्ट करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, बल्कि बराड़ी शिमला में पुलिस एकेडमी होगी, जिसमें एक्ट में प्रावधान है कि एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आईपीएस एचएस ट्रेनिंग के लिए फ्लोरा या मधुबन जाते हैं। बहुत साल हो गए हैं और हमारे पास एकेडमी नहीं है, और ये सिर्फ आईपीएस एचपीएस ट्रेनिंग जवानों के लिए नहीं, बल्कि इस तरह के जवानों को ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए फैसले आते हैं, जिनके अनुसार सभी पुलिस वालों को जानकारी होनी चाहिए और कानून व्यवस्था का हिस्सा उन्हें बनना चाहिए। मरंडी ने कहा कि हमारा ट्रेनिंग जल्द करवाने का एक यही कारण था कि केंद्र से आई खत में हमारे 9 टुकड़ियां उत्तरांचल चुनावों को भेजी जाएंगी, जिनमें 6 जा चुकी है, जबकि 3 में ये जवान जाएंगे और बचे हुए जवान हिमाचल के अन्य स्थानों पर ड्यूटियां देंगे। मरंडी ने कहा कि भारत सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रो को देश भर में कांस्टेबल स्तर की बेस्ट ट्रेनिंग करवाने के लिए 20 लाख का इनाम दिया है। मरंडी ने कहा कि हिमाचल पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर का अवार्ड भी मिला है। अपराधियों को सजा दिलवाना हमारी प्राथमिकता का लक्ष्य है। अगर कोई कांस्टेबल के B1 टेस्ट को पास कर लेता है तो उसे सीधा इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ग्रेजुएट कांस्टेबल भी अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत चलान कर सकते हैं। DGP मरंडी ने कहा कि CSD कैंटीन पूरे प्रदेश में खोली गई है, जिनमें 3 महीने में 1 करोड़ का व्यापार किया गया है और इसका 1 वर्ष में 8 करोड़ होने का अनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनाउंसमेंट हुई है कि वो बराड़ी में शिमला में पुलिस अकादमी होगा, क्योंकि पुलिस एक्ट में प्रावधान है एक पुलिस अकादमी और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करना। तो हमारे पास इस वक्त पुलिस अकादमी नहीं है, क्योंकि हमारे जो HPS ऑफिसर्स है और IPS ऑफिसर्स है वो ट्रेनिंग के लिए PTC पुलिस अकादमी मधुबन या पुलिस अकादमी फिल्लौर जाते हैं। अब बहुत साल हो गया है और इट इज़ हाई टाइम दैट वी हैव अवर ओन पुलिस अकेडमी। ये सिर्फ IPS HPS का ट्रेनिंग ही नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, हमारे लॉट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेस भी कंडक्ट करना जरूरी है, क्योंकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजमेंट्स है वो एक किस्म से कानून है हमारे लिए, और रोज नए नए जजमेंट्स आते हैं, तो कानूनी जानकारी हमारे पुलिस वालों को होना चाहिए और दैट इज़ पॉसिबल थ्रू इन सर्विस ट्रेनिंग ओनली। इसलिए हमने हमने प्रपोजल भेजा, सरकार ने भी इन प्रिंसिपल पुलिस अकादमी जो है वो उसमें बराड़ी में स्थापना करने का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट एग्रीइंग जो लेटर है हमें भेजा है। मैं यहाँ का शिफ्टिंग के बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। और सर आपने कहा है कि हिमाचल से 9 कंपनीज इलेक्शन ड्यूटी पे उत्तराखंड जा रही है, इसमें ये जवान भी शामिल रहेंगे? तो इनमें से कुछ जो अभी हमने ऑलरेडी जो 9 में से 6 कंपनी ऑलरेडी उत्तराखंड भेज दिया है वो 30 तारीख तक, और ये जो पास आउट हुए हैं जवान इनमें से 3 कंपनी हम 1-2 दिन में भेजने वाले हैं उत्तराखंड के लिए, और बाकी जवान जो है जो बाकी ड्यूटीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ से हमने निकाल के उत्तराखंड भेजा है वहाँ के लिए ये लोग डिप्लॉय हो जाएंगे ड्यूटी देने के। और ये पासिंग आउट पीरियड थोड़ा बीच में अभी जल्दी करने का मकसद भी यही था कि जो 9 कंपनी का MHA का गृह मंत्रालय का ऑर्डर आया कि हमने भेजना है, तो इसलिए हमने थोड़ा इस पर जल्दी कार्रवाई। सर अपने संबोधन में आपने व्यवहार कुशलता की बात की, कानून की अनुपालना को सुनिश्चित बनाने की बात कही है, चरित्र निर्माण की बात कही है,
पुलिस इन सब बातों को लेकर पहले से ही पुलिस में ये भय वाक्य रहे हैं कि पुलिस इसको लेकर काम करती रही है। बीच बीच में कई बार होता ही कि बात सामने आती रही है, पुलिस ने एक्शन भी लिया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए और क्या किया जाएगा पुलिस की ओर से, ताकि हिमाचल ये आधुनिक बनाने का एक निरंतर प्रयास है हमारा। और आधुनिकीकरण जो है वो आज का डेट में जो आधुनिकीकरण है वो 5 साल बाद उससे बहुत एडवांस हो जाएंगे। तो फिलहाल जो है हम ई चलानिंग सिस्टम करना चाहते हैं, जहाँ पे एक डाटाबेस होगा चलान का और CCTNS का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें क्रिमिनल्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। और ERSS जो है वो हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में पहली बार लॉन्च किया है हिमाचल में, जहाँ 112 नंबर डायल करके 1 नंबर दबाने से आपको सहायता मिलेगी और इसमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और इसके अलावा हमने तरह तरह का और भी गुड़िया हेल्पलाइन है, होशियार हेल्पलाइन है, शक्ति बटन है, इस तरह का लॉन्च किए हैं। और अभी हमने एक जामर भी खरीदने वाले हैं, 1,71,00,000 रुपये का जामर है, जो VIP प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। और ये निरंतर प्रयास मॉडर्नाइजेशन करने का जारी है और मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत सरकार से सहायता भी मिल रही है। सर, CCTNS की बात आपने कही, चलाने के बाद कब तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाए? नहीं तो इम्प्लीमेंट तो ये दोनों हो चुके हैं, और CCTNS में कुछ और करने की ज़रूरत है। जो कुछ मॉडिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसको स्टेट में अडॉप्ट करना जो है वो हमारे लिए आवश्यक है। तो क्या प्रयास जारी है, क्या रहेगा सर उसमें, क्या एडवांस? उसमें बेसिकली जो क्राइम डाटा एनालिसिस हो जाती है और इमीडिएटली साइमल्टेनियसली जो है ऑनलाइन डाटा मिल जाती है, और FIR के बारे में हम पता कर सकते हैं और पब्लिक के लिए ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। और जो इसका जो ट्रैकिंग जो है वो आसान है, क्रिमिनल्स का ट्रैकिंग। एक सर, जो ये नई भर्ती अभी नया जो सेंक्शन हुई है 1,063 पोस्ट की बात की जा रही है, तो ये चुनाव के कारण, आचार संहिता के कारण प्रभावित तो नहीं होगी इसके कारण? नहीं, अभी तो सिर्फ आचार संहिता के बहुत पहले हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉल किया है, और जो कुछ होगा वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाकी प्रक्रिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही